जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय। ये वीडियो दिल्ली में जो दंगे हुए हैं और जितने भी लोग मारे गए हैं और जो ये दंगा कर रहे हैं उन लोगों की, ये कि यार एक बात समझ में नहीं आती, तुम इतने अनपढ़ गंवार हो, इतने मतलब नेताओं की बातों में आके, बड़े लोगों की बातों में आके तुम इतने अनपढ़ गंवार कैसे बन सकते हो यार। जबकि हजार बार कह दिया है, बहुत सभी लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है, सभी ने कह दिया है कि CAA, NRC और NPR से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, फिर किस बात का बवाल मचा रहे हो यार तुम लोग। और एक था कोई भी लौंडा जिसका एक स्टेटमेंट आया है कि अगर CAA, NRC और NPR लागू होता है तो पूरे हिंदुस्तान में हम आग लगा देंगे, पूरे हिंदुस्तान में हम तबाही मचा देंगे। तो उसके सुनबे लौंडे, तेरा बाप का हिंदुस्तान नहीं है ये, तेरा बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो पूरे में आग लगाएगा या फिर तबाह करेगा इसे। हजार बार जबकि सबने कह दिया है कि CAA, NRC और NPR से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली, फिर कहेगा बवाल मचा रहे हो यार। खुफिया विभाग के एक अधिकारी अंकित जी शर्मा, उनको 400 से ज्यादा बार चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बुलंदशहर के शाहिद नामक युवक की भी हत्या कर दी गई है जो कि दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाता था, उसकी भी हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह ना कि तुम लोगों को कितना भी समझा लो, तुम लोग सुधरने वाले तो हो नहीं, क्योंकि तो तुम लोगों का तो काम ही यही है अपने दंगों की दुकानें चलाना ना। तुम हाथ में पत्थर लेके, हाथ में बंदूकें लेके और गुलेल से और तेजाब ये सब इकट्ठा करना, एक कोई पार्षद था किसी पार्टी का जिसके घर पे छापा पड़ा, ताहिर हुसैन, उसके घर पे छापा पड़ा तो तेजाब के पाउच, पत्थर और गुलेल और बहुत सी चीजें ऐसी मिली है। तो अगर हमारे देश के नेता ही ये सब कर रहे हैं तो फिर आम जनता क्या करेगी। बड़ी बात है, मतलब यार हमारे देश के नेता भी अगर इस टाइप का काम करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे। और जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि ये हिंदुओं को मारा जा रहा है या हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, और ताहिर हुसैन जिसके घर पे वो मुसलमान था तो ये मुसलमान इस हिंदुस्तान को, बेटा ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये बात कान खोल के सुन ला, ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना सिखों का है, ना ईसाइयों का, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और ये सभी का है यार। किसी एक का ये हिंदुस्तान जिंदगी में ना कभी हुआ था ना कभी होगा, ये हिंदुस्तान सभी का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बात करो, अखंडता की बात करो, भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि पुलिस पर गोली चलाना। राजस्थान के एक पुलिसकर्मी रतनलाल जी की भी हत्या कर दी गई गोली मार के, मतलब तुम लोगों में बिल्कुल कोई डर या खौफ नाम की चीज है ही नहीं है ना। सेना से ना पुलिस से, पुलिस को गोली मार रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छे यार। सरकार से कहते हो विकास कराए, और अगर विकास नहीं कराए तो तुम लोग विरोध करोगे, मुद्दा उठाओगे, अगर विकास कराया तो तुम ही लोग उसे बर्बाद करोगे हैं। बस जलाना, ऑटो रिक्शा जलाना, ट्रेनों पे पत्थर मारना, लोगों पे पत्थर, पुलिस वालों को गोली मारना, ये कहाँ की संस्कार है बे। औकात में रहो, औकात में बिल्कुल, मतलब यार कोई हमारे हिंदुस्तान में है ना कुछ भी चीज होती है तो उसका इशू बन जाता है, जबकि तुम लोगों को क्या सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता। सभी ने कह दिया अगर NRC, NPR या CAA से किसी की भी नागरिकता जाती है तो हम भी उसका विरोध करने के लिए तैयार है। किसी कोई माई का लाल नहीं जो तुम लोगों को इस देश में, देश से निकाल सके, नागरिकता छीने तुम्हारी। ये कानून नागरिकता देने के लिए ना कि छीनने के लिए, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। कुछ चंद राजनेताओं के यार कुछ भांड लोगों की वजह बातों में आके तुम लोग ये सब करोगे, दंगे करोगे। 40 से भी अधिक लोग अभी तक मर चुके दिल्ली हिंसा में, और कितनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को तुमने नुकसान पहुंचाया। पुलिस वालों को गोली मारना, ये क्या है बे, इतना अधिकार तुमने किसने दिया। अगर तुमको विरोध करना है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करो, रिपोर्ट करो, जो करना हो कानूनी तरीके से करो। हाथ में पत्थर लेके या तेजाब के पाउच या पुलिस वालों को गोली मारने से, हाथ में बंदूक लेके तुम कौन से संविधान की रक्षा करने निकले हो रे। बेटा पुलिस और सेना बहुत छोड़ दिया ये, जिस दिन वो अपने पे आ गए ना तो डंडा घुसाड़ देंगे, ये बात भी ध्यान रखना। बहुत मारेंगे बहुत, जिस दिन वो अपने पे आ गए। तुमने तो एक गोली चली, वो हर एक एक के सीने में इतनी गोली चलाएंगे ना कि भूल जाओगे कि सांस कहां से ले। बिल्कुल, मतलब हमारे देश में कुछ जो हो रहा है जो सही है ना, कोई अगर हिंसा कर रहा है तो वो सही है, और जिसके पार्षद के घर में जो तेजाब के पाउच और पत्थर और गुलेल मिली है बड़ी,
ये मतलब एक पूरी प्लानिंग की सॉल्यूशन पे आते हैं, ये इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन एक बात पहले ये जानना चाहेंगे, ये कर कौन रहा है, इनके मास्टरमाइंड कौन है, इनके जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जो होते ना, ये बड़े बड़े जो इनको लीड करने वाले, उनके बारे में आते, ये कर कौन रहा है हमारे हिंदुस्तान में। मतलब इतने गद्दार हमारे हिंदुस्तान में कि साला अगर पूरा का पूरा एक दोगला स्थान बन जाए हमारे हिंदुस्तान में, इतने दोगले इतने भांड लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, बिल्कुल मतलब कुछ सोचना समझना नहीं, बस पुलिस वालों को गोली मारो, सेना को गोली मारो, जितना हिंसा करोगे, जितना विरोध करोगे, जितने दंगे करोगे, उतनी जल्दी ये कानून लागू होगा। हाँ यार, अगर कानूनी तरीके से करो तो सुप्रीम कोर्ट भी सोचे इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को गलत लगेगा तो वो हटाएगा इस चीज को, तो ये कौन सी बात होगी, तुम लोग पत्थर मारोगे, तुम्हारे बाप दादा की जागीर है ये हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप दादा की जागीर नहीं है ये हिंदुस्तान, ये बात ध्यान रखना अच्छी तरह से। पुलिस और सेना बहुत छोड़ता है, जब तक जिस दिन वो लोग अपनी पे आ गए ना, कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं, रोड पे आ जाओ, सड़क पे आ जाओ, कहीं नहीं दिखोगे। सीए एनआरसी पूरे हिंदुस्तान में अभी तक कितनी रैलियां, कितने सब तुम लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कितना कर चुके हो, अगर इतना कानूनी तरीके से करते तो अभी तक कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लिया जाता, जितना विरोध करोगे उतना जल्द ये कानून आएगा। अभी भी कहना चाहूंगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन पुलिस सेना अपने पे आई ना, याद रखना घर में घुस के मारेंगे। तुम जैसे दोगलों के लिए है कि औकात में ही रहो, क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं कि तुम इस हिंदुस्तान में रहकर और विकास करो, या भी क्यों, क्योंकि अगर तुम विकास करते हो तो तुम लोग उसे बराबर कर दोगे, अगर विकास करे तो तुम लोग उसे बराबर कर दो, मतलब तुमको तो क्या बोले यार, अब तुम लोग किस टाइप के लोग हो यार, ये समझ में नहीं आती। और मेरा सभी से एक भी निवेदन है, अभी दिल्ली में जो हिंसा हो रही है, जो पुलिस बल जो सेना भी लगी हुई है, जहाँ जहाँ भी माहौल थोड़ा खराब है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कुछ भी अगर हमारे जवानों को या पुलिसकर्मियों को कुछ भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो आप उन्हें ज़रूर वहाँ पर उसकी उपलब्धि कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।